सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 501, 502 और 503 की एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को अपने 504 और 505 की एग्ज़ाम की तैयारी में लग जानी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 501 और 2 में जो है स्वयं MCQ के कोई MCQ नहीं पूछे गए थे, लेकिन 503 में 90% क्वेश्चन जो थे वो स्वयं MCQ से आए थे, इसलिए हम लोग स्वयं को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं आज आप लोगों को 504 में अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं स्वयं पे, उनमें जो भी वीक के टेस्ट हुए थे उन सभी को एक जगह मैंने कर दिया है, और 504 के जितने भी MCQ टेस्ट थे उन सभी को मैंने एक PDF के रूप में आपके लिए पेश किया है, और सबका आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में और PDF के साथ। तो बिना देर किए हम लोग दोस्तों 504 के ऑल MCQ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वो PDF फाइल खोल ली है जिसमें 504 के सारे MCQ टेस्ट के क्वेश्चन आंसर हैं PDF के रूप में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन आइकन यानी बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएँ। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस PDF पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब के ऑप्शन पर चले जाएँगे, वहाँ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों NIOS DLED 2017-19 लिखा हुआ है। यह 17-19 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो किया था वो 17 से ही किया था, अगस्त में हम लोगों का सेशन ये 17-19 है। और 504 के जितने भी अभी तक स्वयं पे MCQ हुए हैं, जो टेस्ट हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और एक ही जगह एक PDF में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है और हर प्रश्न के चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ है, या इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाईलाइट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है उसका। तो यहाँ पे हर सवाल के चार ऑप्शन हैं, उसमें से एक को हाईलाइट किया है, ये सही आंसर है उसका। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विद्यालय अधिगम के शुरू से ही गणित के प्रति भय का सबसे बड़ा कारण कौन है? इसमें ऑप्शन है गणित विषय का बहुत जटिल होना, अध्यापक द्वारा विषय पाठन बोझिल बनाना, गणितीय अवधारणाओं को रटकर याद करना, रुचि का अभाव। हालांकि यहाँ पे चार ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसे सुन करके याद करना चाहते हैं तो चार ऑप्शन पढ़ने से आपको फायदा होगा। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको आंसर पहले ही पता हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का ये हाईलाइट किया हुआ है। तो बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि सर आप सुन करके बोल करके पढ़ें ताकि हम लोगों को सुनने से याद हो जाए। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है बी, अध्यापक द्वारा विषय पाठन बोझिल बनाना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में किसे बहुत महत्वपूर्ण बताया? ऑप्शन है आत्मसत्करण, समीकरण, अवबोधन या अवलोकन। इसका सही ऑप्शन है बी, समीकरण। तीसरा सवाल यहाँ पे है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के स्तरों या कामों के वर्गीकरण के सुधार पर मूर्त संक्रिया काल की उम्र क्या है? 11 से 15, 2 से 7, जन्म से 20 या फिर 7 से 11। और इसका सही आंसर है 7 से 11, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए कौन सी पूर्व संख्या अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है? आत्मसत्कारण एवं समायोजन, मापन अवधारणा, वैकल्पिक अवधारणा, मिलान एवं छटनी। यहाँ पे इसे एवं पढ़ेंगे, जो एवं टाइप हो गया है, हालांकि ये लिखने में और टाइप करने में बहुत काफ़ी मेहनत लगा है इसमें, तो टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे मिलान एवं छटनी है और यही इसका सही जवाब भी है, मिलान और छटनी। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में कौन बहुत लंबे समय से एक सुदृढ़ अवयव रहा है? ऑप्शन ए नियंत्रण अधिबोधन, क्रियाशीलता श्यामता, या फिर डी सी आगमनात्मक विधि, या डी निगमनात्मक विधि। और इसका सही ऑप्शन है सी आगमनात्मक विधि। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बच्चों के लिए कौन गणित अधिगम को मनोरंजक और अर्थपूर्ण बनाने का शक्तिशाली माध्यम हो सकता है? ऑप्शन ए खेल, बी संगीत, सी कक्षा कक्ष का वातावरण, या डी पाठ्यपुस्तक की ओर औपचारिक विधियों का अनवरत अभ्यास। और इसका सही ऑप्शन है ए खेल। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रिया काल में किन अवधारणाओं का विकास होता है? अवबोधात्मक अवधारणा, मूर्त अवधारणा, औपचारिक संक्रिया अवधारणा, या अमूर्त गणितीय अवधारणा। और इसका सही ऑप्शन है डी अमूर्त गणितीय अवधारणा। दोस्तों हालांकि 501 और 502 जो एग्ज़ाम हुए थे हम लोग के, उसमें स्वयं MCQ के क्वेश्चन बहुत कम ही आए थे,
कुछ कुछ स्टेट में आए थे, लेकिन 503 में जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 90% क्वेश्चन जो थे वो स्वयं एमसीक्यू के थे। इसलिए हम लोग 504 में भी स्वयं एमसीक्यू पे हम लोगों को ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आएंगे ये 100% कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करो बात करो और रिकॉर्ड करो नामक गणितीय प्रक्रिया के विचार को किस गणितीय शिक्षावाद ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर चार नाम बताए गए हैं, ब्रेनर, प्याजे, जेम्स या हैवियत ब्रेड, और इसका सही ऑप्शन है हैवियत ब्रेड। अगला सवाल है 9वां, प्याजे के अनुसार संरक्षण और रूपांतरण पर किसकी प्रक्रिया निर्भर है, मापन की, गणना की, आरेखन की या निर्णयन की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मापन की। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, बोध एवं निरूपण किसकी मूलभूत प्रक्रिया है, वस्तु को प्राप्त करने की, गणित के प्रश्नों का समाधान करने की, समायोजन और आत्मसातकरण में संतुलन करने की या सोच को विकसित करने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोच को विकसित करने की। 11वां सवाल, बच्चों में गणित शिक्षा के मूल उद्देश्य को चुने, परिस्थितियों का गणितीकरण, बहुत अधिक गणित की जानकारी हासिल करना, तर्कपूर्ण चिंतन या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ए परिस्थितियों का गणितीकरण। उसके बाद 12वां सवाल है, गणितीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, ऑप्शन ए विभिन्न क्षेत्रों में गणित में विकसित अवधारणा प्रक्रिया एवं विधि के ज्ञान का उपयोग करना, ऑप्शन बी आपने सभी क्रियाकलापों तथा व्यवहार में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपने आप को गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त करना, या फिर सी किसी कथन का मूल्यांकन करना, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो 13वां प्रश्न होगा। यहाँ पे प्रश्न लिखा है, गणित में उच्च लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाले कथन को चुनें, ऑप्शन ए है बच्चों में आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बी गणितीय सोच एवं तर्क का विकास और धारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचना, सी अमूर्त आयामों को व्यवस्थित करना, या फिर डी सभी। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है यानी सभी, ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न है, बच्चों में आंतरिक संसाधनों को प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प चुनें, ऑप्शन ए समस्या समाधान कौशल एवं अन्वेषात्मकता, बी अनुमान स्वीकरण एवं समुचित योग्यता, सी प्रतिरूपों का उपयोग प्रतिवेदन तर्क एवं प्रमाण एवं संबंध बनाना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। और इसका भी जो आंसर है वो उपर्युक्त सभी यानी डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है 15वां सवाल, विशिष्ट उद्देश्यों में कौन उपयुक्त नहीं है, ए बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, कक्षा कक्ष में प्रभावशाली अधिगम पद्धति की योजना बनाने में सही विधि डिजाइन करना, पाठ्यक्रम शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने के लिए मार्गदर्शन करने एवं मूल्यांकन पद्धति को तैयार करने में, या फिर डी विशिष्ट लक्ष्यों को सुस्पष्ट अष्टिक नियंत्रण रूप एवं प्राप्त योग रूप में होना चाहिए। इसमें चार ऑप्शन थे जिसमें ऑप्शन ए सही है यानी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। उसके बाद 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन गणित के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के रूप में सही विकल्प हैं, ऑप्शन ए बच्चों में तर्क की शक्ति को विकास करना, बी तीव्रता और सटीकता के साथ गणना करना, सी प्राकृतिक संख्याओं के 5 से विभाज्यता को जांचना, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी प्राकृतिक संख्याओं के 5 से विभाज्यत्व को जांचना। 17वां सवाल, गणित शिक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती इनमें कौन है, ए गणित अमूर्त जटिल और सुसख्य विषय है, बी रट करके याद रखना, सी कक्षा कक्ष में अधिक संख्या में प्रतिभावी विद्यार्थियों का एवं क्रम संख्या में उच्च मेधा वाले छात्रों का होना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 18वां सवाल, छात्रों में गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण इनमें से कौन है, ऑप्शन ए गणित कठिन विषय है, बी साथियों का दबाव, अनुदेशों के प्रति सजगता में कमी, या फिर गणित की अमूर्त प्रकृति। इसका सही ऑप्शन है सी अनुदेशों के प्रति सजगता में कमी। उसके बाद 19वां सवाल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इनमें से कौन अधिगम के शिक्षण की समस्या है, ए निराशाजनक पाठ्यक्रम, बी अपर्याप्त अधिगम सामग्री, सी शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, या डी सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है यानी कि डी सभी। उसके बाद 20वां सवाल है, यहाँ पे शिक्षक अपने समझ से गणित शिक्षण करते हैं ना कि विद्यार्थियों की समझ के आधार पर, इसमें ऑप्शन चार है इसमें से एक सही ऑप्शन को चुन लेना है, शिक्षक को गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर विश्वास का अभाव, शिक्षक का छात्रों पर विश्वास का अभाव, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का अधिक संख्या में होना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए
शिक्षक को गणित शिक्षण अधिनियम की प्रक्रिया पर विश्वास का अभाव। उसके बाद 21वां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, समाज केंद्रित या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, छात्र केंद्रित। अगला सवाल 22 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने की प्राचीनतम एवं बिल्कुल सामान्य विधि को चुनें, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि। और इसका सही ऑप्शन है ए, आगमन विधि। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, तर्क के उस विधि का नाम बताइए जिसके अंतर्गत छात्र अपर्याप्त संख्याओं में विभिन्न स्थितियों तार्किक रूप से सत्य संबंधों का कर एक समान प्रतिरूप का अनुमान लगाता है और अंततः एक सूत्र या एक सामान्यकरण को प्राप्त करता है। कौन सी विधि है वो उस विधि का नाम बताना है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आगमन विधि। तार्किकता की कौन सी विधि में विद्यार्थी सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर सीखता है। इसमें चार विधि में से एक विधि सही है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। और इसका सही ऑप्शन है डी, निगमन विधि। 25 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग को देख लेना है। इसमें लिखा है, गणित सीखने की वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक विधि, बी, संश्लेषणात्मक विधि, सी, आगमनात्मक विधि या डी, निगमनात्मक विधि। और इसका सही ऑप्शन है ए, विश्लेषणात्मक विधि। उसके बाद 26 नंबर सवाल है, परियोजना विधि के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है, ए, यह विधि विद्यार्थी केंद्रित व्यक्तिगत अथवा समूह क्रियाकलाप है, बी, यह विधि सीखने में कम समय लेता है, सी, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता विद्यार्थियों के स्वतंत्रता एवं अन्य विषयों के साथ सहसंबंध आता है या डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका ऑप्शन सही है वो है बी, यह विधि सीखने में कम समय लेता है। उसके बाद 27वां सवाल है, समस्या निर्माण विधि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है, ए, इसके अंतर्गत अवलोकन के पश्चात पूछताछ के द्वारा परिणाम निकलने के प्रति उत्साहित होते हैं, यह विधि छात्र को अज्ञात क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है, यह प्रतिमानों की खोज में सहायक होती है या डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 29 नंबर सवाल, अधिगम के 5 प्रतिमान में सही क्रम का चुनाव करें, इसमें 4 ऑप्शन में सब क्रम से दिए हुए हैं। इसका सही क्रम है विनियोजन, अन्वेषण, विस्तारण, मूल्यांकन। ये इसके अधिगम के 5 प्रतिमान क्रम हैं, वो विनियोजन, अन्वेषण, विस्तारण, मूल्यांकन, ये इसका सही क्रम है। उसके बाद अगला सवाल है 30वां नंबर क्वेश्चन, अवधारणा के खाता तैयार करने से संबंधित अशुद्ध कथन को चिन्हित करें। ऑप्शन ए, अवधारणा मानचित्रण में आशेष एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बी, यह छात्रों के द्वारा खोजे गए संबंधों का एक स्थूल अभिलेख प्रदान करता है, सी, यह सूचित करता है कि बच्चों ने ज्ञान को कैसे संगठित एवं अंत संबंधित किया है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है सभी। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है भाषा को लेकर के। यहाँ पे जो हिंदी जो लिखा होता है वो काफ़ी शुद्ध हिंदी होता है और कभी कभी हम लोगों को उसका मतलब भी समझ में नहीं आता है। ये इसके पाठ्यक्रम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब हम लोग इसकी पीडीएफ फाइल पढ़ते हैं, जो हम लोगों को 501, 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो पीडीएफ दिए गए हैं, उसमें भी अगर हम कुछ कभी कभी पढ़ने बैठते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी होते हैं और उनका मतलब हम लोगों को समझ में नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसी से पढ़ना है और उसी से तैयारी करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम की कौन सी विधि स्वयं के द्वारा खोज करने के अवसर व रुचिपूर्ण ढंग से अधिगम वातावरण उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए है परियोजना विधि, बी, क्रियाकलाप आधारित अधिगम, सी, अवधारणा मानचित्रण विधि या डी, सभी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर है बी, क्रियाकलाप आधारित अधिगम। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 32 नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संख्याएं दो तरह की पाई जाती हैं, एक गणना एवं दूसरी माप योग, माप आधारित संख्या तंत्र को पहचानें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से पहचानना है माप आधारित संख्या कौन है, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या। और इसका सही आंसर है डी, परिमेय संख्या। उसके बाद 33 नंबर सवाल, वास्तविक संख्याओं के समूह में पाए जाने वाले परिमेय संख्याओं को पर्णक एवं गैर पर्णक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, निम्न विकल्पों में परिमेय संख्या को पहचानें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक परिमेय संख्या है और आप लोग अगर मैथ पढ़ाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या इसमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी ये जो 22/7 लिखा हुआ है ये परिमेय संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैर गणना योग्य संख्याओं को चुनें।
वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या, गैर गणना योग संख्या, इसमें से जो ऑप्शन है वो ए सही है, वास्तविक संख्या गैर गणना योग संख्या है। उसके बाद अगला सवाल पढ़ लेते हैं, 35 नंबर। निम्न में से असत्य कथन को चुने, निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। ए, अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। बी, अपरिमेय संख्या दशमलव के बाद अनंत स्थान तक आने वाली अनावर्ती संख्याएं हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का वास्तविक संख्या रेखा पर एक सुनिश्चित स्थान है या इनमें से कोई नहीं। और इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन ए, अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ये गलत है, ये असत्य कथन है। दोस्तों क्वेश्चन और भी हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो काफ़ी वीक में लिए गए थे, तो क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन एक वीडियो में संभव नहीं है, तो मैं इसकी दूसरी पार्ट बनाऊँगा। अभी तक मैंने 35 क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने बता दिया है, और इसमें 35 में 35 सही भी हैं। आप कहीं से भी इसका क्वेश्चन का आंसर मिला कर देख लेना। अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन गलती नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि इसका पार्ट टू चाहिए आप लोगों को या नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को तो मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊँगा, और 505 के भी जो भी टेस्ट है वो भी इसी तरह की एक पीडीएफ फाइल में आप लोगों को बना करके दे दूँगा। उसके लिए ज़रूरी है वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट बताएं, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।